आज के टाइम में आपको यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब चैनल सॉरी स्टार्ट करना चाहिए, ब्लॉग्स बनाना चाहिए, तो इसके लिए फ्रंट में दिख रहे हैं भाई अच्छा करता है एकदम 3D। हेलो एवरीवन, तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं अभी ऑफिस से निकल रहा था तो सोचा चलो व्लॉग बनाते बनाते चलते हैं। तो आज तो ऑफिस से जल्दी निकलने को मिल गया, ऐसे ही किसी का काम करने का मन नहीं लग रहा था तो मैंने कहा ठीक है यार आज थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। वैसे भी ठंडियों के मौसम में जल्दी किसी का काम करने का मन नहीं करता, और मेरा पिछले 2 दिनों से थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था डेली, बट आई होप आज ऑडियो सही आ रही हो। तो चलो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आज। कोई वाह क्या मॉडिफाई किया जिक्सर, क्या रैप की थी भाई ने, एकदम झक्कास, क्या सुंदर दिख रहे हैं बजरंगबली। अभी इनकी डेंटिंग वेंटिंग चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, पता नहीं कब पूरी होगी। बजरंगबली बजरंगबली कृपा बनाए रखना। ओ भाई कितना सुंदर दिख रहा था वो सूरज, एक्चुअली यार डूबता हुआ सूरज एक क्या फूटा भाई, डूबता हुआ सूरज एक अलग ही सेक्सी दिखता है, मतलब अट्रैक्ट करता है अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के टाइम, बाकी टाइम तो ऐसा लगता है भाई गुस्से में ही देख रहे हैं। जूडियो यार, जूडियो के कपड़े होते तो अच्छे हैं, लाइक आपको एक इकोनॉमिकल रेंज में मिल जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, ये मैंने नोटिस किया है। आपका क्या है ये इस पे जरूर कमेंट में बताना, बट मुझे लगता है कि अच्छे होते हैं कपड़े जूडियो के। वो देखो भाई क्या सेक्सी दिख रहा है सूरज, पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, बट आंखों से तो लिटरली एकदम ऐसे प्रॉपर गोल। आज छठ पूजा भी है तो लोग पूजा भी कर रहे होंगे, तो इतना प्यारा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है एकदम स्पेशल निकला है छठ पूजा के लिए। ओ किया वाले भैया लॉट्स ऑफ डिटेलिंग भाई, R15 डिटेलिंग करा रहा है कोई। ओ मर्सिडीज भैया भाई अंदर किया 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 क्या किया क्या किया रे फैनम। ओ बच्चे देखते हुए जा रही थी, शूट यहाँ से करना है रोड क्रॉस। अरे सूर्य देवता आगे आ गए हमारे राइट में, अभी फ्रंट में दिख रहे हैं मैंने उस बच्चे को बाय किया तो बच्ची भी बाय कर रही है, क्यूट लगते यार ऐसे रिएक्शंस, दिल को खुश कर जाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है तो इधर तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, जीएसटी भवन, तो बाद में कहीं बाहर से निकलेंगे तब बनवाते हैं, अभी तो पेट्रोल चल जाएगा, अभी तो चल जाएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से आपके गाड़ी में एटलीस्ट एक या दो डंडी पेट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम जब होता है तो मतलब काफी ज्यादा डस्ट जमा होने लगती है, क्योंकि जो नीचे का होता है, क्योंकि आप काफी टाइम से बाइक चला रहे हो तो आपको भी पता है पेट्रोल उतना क्लियर नहीं मिलता, उतना अच्छा नहीं मिलता, तो जब उसमें थोड़े बहुत थोड़े मोटे डस्ट होते हैं वो जमा होने लगते हैं, और जब आपकी गाड़ी एकदम पेट्रोल आपकी गाड़ी का खत्म होने वाला रहता है तब वो फिर नीचे वो इंजन में फिर वही पेट्रोल डस्ट पार्टिकल जाने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने गाड़ी में फिलिंग करा लो जब भी एक या दो डंडी हो, मैं भी करवाता था पहले जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे, मैं खुद के पैसे से पेट्रोल नहीं भरवाता था बेसिकली घर वालों से लेके या जैसे भी, बट जब से मैंने खुद के पैसे से पेट्रोल भरवाना स्टार्ट किया है तो ये मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया है। बट ठीक है आपको मैं ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ, वैसे तो आज ऑफिस में बहुत ही सीरियस काम कर रहे थे हम, मैं इसमें एक छोटा सा वीडियो ऐड करूंगा दिखाने के लिए कि क्या हो भैया मेरी भी गाड़ी ढूंढो। इस ब्लॉग में मैं छोटा सा वीडियो ऐड करता हूँ कि हम ऑफिस में क्या काम कर रहे थे ताकि आपको पता चले। तो देख रहे हो जैसे हम यहाँ बैठे बात की बकचोदी कर रहे हैं, हम अपने अपने टेबल पे अपना नाम चिपका रहे हैं,
जिसकी कोई जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी ताकि हमारे अलावा यहाँ कोई ना बैठे तो मैंने नॉर्मल ब्लू लिया, बट टाइपिंग थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है, वो सीधा डबल टेप से चिपका रहा है। और मैं चल रहा हूँ नॉर्मल ब्लू से। चिपक गया भाई, परमानेंट चिपका मत देना। और ये देखो दिख रहा है मेरा नाम उल्टा दिख रहा है, बट मैं इसको चिपकाता हूँ भाई। ओ भाई क्या लग रहा है, सेक्सी है, क्या लग रहा है ये देखो यार मेरा कैसा लग रहा है, सिंपल नीट और क्लीन अच्छा सा। अरे कितना अच्छा दिख रहा है। और अर्पित का देखो भाई ने 3D बनाने की कोशिश की है पूरी, दिख रहा होगा एकदम 3D मॉडल लग रहा है प्रॉपर। बैठने का स्टाइल देखो, लेकिन काम भाई अच्छा करता है एकदम 3D अच्छा एकदम। ये परमानेंटली चिपक गई, टेबल खत्म हो जाएगी, बट ये नेम टैग नेम टैग नहीं निकलेगा। और यहाँ बस एक टेम्पररी किया गया है, मतलब अगर हम बकचोदी करते तो भाई एकदम सीरियस लेवल पे करता है। अच्छा अच्छा लेकिन पुरानी वाली पल्सर का भी अलग ही क्रेज था यार। पहले के टाइम पे स्पोर्ट्स बाइक जैसे लोग चलाते थे उसको रखते थे भाई, ईगो था, एटीट्यूड था भाई। मेरे पास पल्सर है 150cc, मुझे भी याद है, मैंने भी काफी घूमा है उसको। तो एक टाइम पे काफी महंगी और अच्छी गाड़ियों में थी वो, पर अब तो बहुत कॉमन हो गई। अब तो इतने डिजाइन आ गए हैं कि कोई चूज ही नहीं करता पल्सर 150। आई गेस बनना भी बंद हो गई क्या शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। वाह भाई हेलमेट तो लगा लेते दोस्त, हेलमेट लगे ना लगे लोगों के कानों में ईयरफोन और हेडफोन जरूर देखा है। हेलमेट होना हो, ईयरफोन और हेडफोन मैंडेटरी है, ये रहता ही रहता है। फूल वाले भैया, ओ देखो भाई ये बच्चों के हाथ में लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी दे देते हैं कि ठीक है कितना ही तेज जाएगी, अच्छा काम कर रहे हो, कितना तेज जाएगी क्या ही होगा बच्चा। लेकिन यार सोचना चाहिए कि ठीक है इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने दे दी है, जब रोड पे चल रहा है तो काफी ज्यादा फास्ट गाड़ियां चल रही हैं। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं कि बच्चों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इंसिडेंट भी होता है इस वजह से। भले आपका बच्चा सही चला रहा हो, धीरे चला रहा हो, ठीक है वो सारी चीजें अलग है, बट आपको नहीं पता ना कि सामने वाला गाड़ी कैसे चला रहा है, तो इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बट लोग ध्यान रखते नहीं है। पर एक तो मुझे ब्लॉग में बना रहा हूँ, फिर भी डेली में ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे क्या लग रहा है ना कि यूट्यूब पे जो पुराने ब्लॉगर्स हैं, हाँ वो बात सही कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है अच्छी बात है, बट मुझे क्या लग रहा है ना पुराने पे जो यूट्यूब पे जो पुराने ब्लॉगर्स है ना वही सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि अब देखो आप क्या दिखाओगे, आप डेली की चीजें दिखा रहे हो, आप उन्हें दिखा रहे हो कि मतलब आज क्या हुआ मेरे साथ, क्या चल रहा है, ठीक है वो क्या दिखा रहे हो, वो दिखा रहे भाई जैसे अनुराग धोवाल का रिसेंट जो स्पीति ब्लॉग आया, जो भी राइड को निकला भाई, पांच सुपर बाइक्स लेके निकला है, पांच सुपर बाइक्स भाई, तो लोग क्यों देखने आएंगे तुम्हें, लोग पांच सुपर बाइक्स देखने जाएंगे भाई, लोग तुम्हारी नॉर्मल आरएस 200 देखने नहीं आएंगे, लोग सुपर बाइक्स देखने जाते हैं भाई। वैसे आप अजेश पाजी को देख लो, वो कश्मीर में जाके चला रहे अपने S2, तो लोग वो देखने जाएंगे, लोग उसमें एंजॉय करेंगे कि भाई कश्मीर में S2 चला दी क्या बात है। तो हम वैसे फिर नॉर्मल जो लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट किया उनको कोई नहीं देखता, लोग वही चीजें देखने जाते हैं। हम डायरेक्ट फर्स्ट ब्लॉग में कश्मीर नहीं जा सकते भाई अपनी बाइक को लेकर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही बाइक है और इतना खर्चा भी नहीं, उतने पैसे भी नहीं कि हम सीधा लद्दाख पहुंच जाए। तो जो मुझे लग रहा है ना आजकल दुनिया ट्रेंड हो गया है कि जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं वो 10-10 बाइक 50-50 बाइक्स खरीद ले रहे हैं और फिर वो उसी पैसे से वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन करा रहे हैं तो उसमें 5-5-6-6 दिन की वीडियो आ रही है। तो लोग फिर देख रहे हैं कि भाई मॉडिफिकेशन क्या हुआ, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा। ठीक है उन्होंने भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया है नो डाउट, बट अब वो इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं, और उनके चक्कर में जो बाकी के ब्लॉगर्स हैं, छोटे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो खुद को सस्टेन नहीं कर पा रहे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, कमेंट करना, बट मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया है। हज्जा भैया फोन ही फोन चला लो अंकल, पहले मतलब साइड भी नहीं कर रहे अंकल, बीच रास्ते में फोन भी चला रहे हैं,
स्कूटी भी चला रहे हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि आज कुछ एंटरटेनिंग तो नहीं दिखा, बट फिर भी जो मैंने बात की कि आज के टाइम में आपको यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब चैनल सॉरी स्टार्ट करना चाहिए, व्लॉग्स बनाना चाहिए, तो इसकी रियलिटी यही है कि आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हो, अच्छी खासी बाइक्स हो, तभी आपको लोग देखना पसंद करेंगे, वरना फिर लोग आपको इतना एंटरटेन नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है गाइस, फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।